मंच पर बैठे आयोजक मंडल के सदस्य और सभागार में उपस्थित साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले युवा सदन के लगातार तीसरे आयोजन के लिए आयोजकों को अभिवादन और बधाई। अभिवादन इसलिए क्योंकि देश में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत युवा सोच की है और युवा सदन एक मजबूत सोच, एक मजबूत थॉट प्रोसेस के तहत उठाया गया कदम नजर आता है, इसलिए अभिवादन। बधाई इसलिए क्योंकि तमाम तरीके की विषमताओं के बीच आप इसे लगातार चला रहे हैं और आपने इसे लगातार चलाने का जज्बा दिखाया है, इसके लिए आपको बधाई। अब मैं कुछ युवाओं से जुड़ी बात करूंगा। आपको मालूम है दुनिया में सर्वाधिक युवा पॉपुलेशन किस देश की? हो सकता है आपका मंच पे बैठे पहले के लोगों ने बात को एड्रेस किया हो, फिर पर मेरा कंटेक्स्ट क्या है वो मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्पीच बताऊंगा। जी आप बताएं सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन कहाँ पर है? सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन हमारे देश में है, करीब 25 से 30 करोड़ के बीच में, 17 से 20 करोड़ के बीच में युवा पॉपुलेशन के साथ चाइना सेकंड नंबर पे है। इसी तरीके से अमेरिका और इंडोनेशिया और अमेरिका का क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर। अभी तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी युवा फोर्स होने के बावजूद क्या हम अमेरिका की, चीन की इकोनॉमी को मैच करते हैं? क्या हम उनकी ताकत को मैच कर पाते हैं? क्यों? जबकि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री, अब तो ये सब जानते हैं कि हमारे देश का युवा चला रहा है, तमाम देशों के स्पेस साइंस प्रोग्राम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम और अन्य क्षेत्रों को हमारे युवा ही मजबूत कर रहे हैं। फिर हमारे यहां इस युवा ताकत को चैनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए आप जानते हैं कि देश की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरीके के हाथों में, उसे कौन चला रहा है, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट ऑफ गवर्नेंस कैसी है। कहते हैं ना जैसा नेता वैसा देश, पर मेरा युवा का मानना अलग। मेरा मानना है कि देश की ताकत इससे भी ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है, वहां किस तरीके के लोगों को सत्ता में बैठाते हैं, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, चयन आप करते हैं, लीडरशिप को लेकर आपकी सोच, आपकी फिलोसफी क्या है। आप जानते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के तहत नोटा का जन्म हुआ, पर आपको लगता है नोटा सफल हुआ? वो जिस मंशा के साथ, जिस मकसद के साथ लाया गया था उसका क्यों? कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, हमारे यहां वोटर को गुमराह करना बहुत आसान है, पढ़ा लिखा वोटर भी, हम आज भी जात पात संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, हमें आज भी सब्सिडीज चाहिए, रियायतें चाहिए, जिन्हें मर्जित नहीं करते, सरकार से ठीक में चाहते हैं, माफ करिए थोड़ा कठोर शब्द है लेकिन यही हमारी व्यवस्था है। हम गलत लोगों को, बाहुबलियों को सत्ता में बैठाते हैं क्योंकि या तो हमारी जाति के होते हैं, हमारे मजहब के होते हैं, हमें लगता है कि हमसे अतिरिक्त फायदे उठा सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वोटर्स हमारे दुष्परिणामों को नहीं देखते, पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लोग अनपढ़ हैं, और पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षित विशिष्ट व्यक्ति हो तो उसको अवेयरनेस हो सकता उस तरीके की। जो दुष्परिणामों को जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग खुद कुछ करना नहीं चाहते, इस देश की जो त्रासदी सी बात पर वो परिवर्तन तो चाहते हैं पर खुद कुछ नहीं करना चाहते, उस परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप किसी भी पेरेंट से पूछिए, मेरे माता पिता से अगर पूछा होता आज से 20 साल पहले कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो कितने ऐसे माता पिता हैं, आप खुद अपने घर से इस चीज को लाइए, जो कहते हैं अपने बच्चों को राजनेता बनाना चाहते हैं, ऐसा आदर्श राजनेता जो देश को सही दिशा में ले जा सके। आप किसी भी पेरेंट से पूछिए होगा मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, IAS बनाना चाहता हूँ, पर एक भी व्यक्ति शायद आपको ना मिले जो ये कहे कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाना चाहता हूँ।
और ना ही कोई बच्चा या 18 साल तक का युवा इस तरीके को एडमिशन निकालता है। एडमिशन वही दिखाते हैं जिनके खानदान में उनकी रगों में पॉलिटिक्स चली आ रही है, मालूम है कि मेरे पिताजी पॉलिटिशियन थे, वो यहाँ से विधायक थे, मुझे सक्सेस करना है। हमारे आप जैसा कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स को एडमिशन नहीं बनाना चाहता उस आयु वर्ग का। अब उस आयु वर्ग का संदर्भ मैं क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ। तो ये युवा सोच कैसे विकसित होगी, कैसे जनतंत्र की मजबूती के लिए युवा वर्ग आगे आए, जान लीजिए। युवा सदन जैसे आयोजन इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, हम इस दिशा में बढ़ाने के लिए मजबूत कदम। बीते दिनों मेरी बातचीत स्कूल के एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल से हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि भाई आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कार्पेंट्री है, फोटोग्राफी है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बता दी। ये तो मेरे टाइम के कुछ कंसेप्ट हुआ करते, तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया जो अब नहीं, मतलब अब नए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस आप ऐसा कोई करिकुलम, ऐसा कोई एक्टिविटी क्लासेस चलाइए जो इस मॉड्यूल पर आधारित हो कि हाउ टू बिकम अ ट्रू पॉलिटिशियन या हाउ टू चूज देम। क्यों नहीं ये शिक्षा हम 13 साल से अधिक आयु के किशोरों को देते हैं, स्कूल लेवल से क्यों नहीं देना शुरू किया। उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस डालनी होगी हमको, अपने नेता को कैसे वक्त पैमानों पर चुनना इसकी वैज्ञानिक जानकारियां देनी होगी बच्चों। जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स में आप बहुत जल्दी से टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमारे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि देश में नेता अच्छा कैसा उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं। दूसरी जगह पर भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि दुनिया की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में, लेकिन एक नया थॉट तो हो सकता है। क्यों नहीं अपने पॉलिटिक्स में मकसद यही नहीं कि भाई राजनेता बनना है, पर अगर आपको उसकी समझ होगी तभी आप एक अच्छे राजनेता का, अच्छे नेता का चयन कर पाएंगे। पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, विधानसभाएं कैसे चलती हैं, सदन कैसे चलता है, ये अवेयरनेस आएगी आपको, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। तो जिस तरीके से हम खेल जगत में जब टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर स्कूल लेवल से हम इस दिशा में ध्यान दें, कॉलेज लेवल से दिशा में ध्यान दें, तो हम ऐसे अच्छे माइंडसेट, अच्छे अच्छे दिमाग बना पाएंगे, तो भविष्य के अच्छे राजनेता बन पाएंगे। और सबसे पहले किस राजनेता को किस पैमाने पर चुनना है इसमें सक्षम हो पाएंगे। मेरा सुझाव है, मैं बहुत लंबी बातचीत करने के पक्ष में नहीं था क्योंकि समय अभाव था थोड़ा, क्योंकि युवा सदन ने बहुत अच्छा काम किया है जो इस तरह की शुरुआत की है। अगर युवा सदन इस कार्यक्रम को, इस तरह के आयोजन को स्कूल से भी, स्कूल्स को भी इसमें जोड़े, तो ये फिर आपने नए तरह का थॉट होगा। और मुझे आप विश्वास मानिए जिस तरीके का आपको उसमें कवरेज या जिस तरीके की आप जिस आपको प्रोस्पेक्ट उसमें नजर आएंगे वो आपको बहुत आगे होगा। मेरा मानना है कि नेता कहीं नहीं होता, हमारे अंदर होता है। इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो हम कॉर्पोरेट लीडर तो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, स्टूडेंट यूनियन में भी हम राजनीति कर लेते, लेकिन 90% ऑफ द टैलेंट जो होता है वो बस स्टूडेंट लीडरशिप तक कन्फाइन होकर फिर वो छोटी छोटी चीजों में लग जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है जब उसमें जबरदस्त संभावना होती है। आपके लिए बदलाव करने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको बदलाव करना होगा, बदलाव का वाहक आपको स्वयं बनना होगा। तो इस दिशा में युवा सदन या इस तरीके के कार्यक्रम बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। अंत में मैं सभी आयोजनकर्ताओं को इस थॉट को ड्राइव करने के लिए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मुझे लगता है यहाँ पर अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, एक स्क्रूटनी के तहत, एक प्रोसेस के तहत आए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस तरीके के आयोजन में आपने दिलचस्पी दिखाई। अब यहाँ से जो भी ध्येय आपके लिए तय होता है उसको आप लेकर जाइए और आप विश्वास मानिए, विश्वास करिए कि सोशल सर्विस का, सामाजिक सरोकार का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता। धन्यवाद।